बाइबल से, नए नियम से, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 9वां वचन तक, यूहन्ना 5:1-9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 गुसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गीय कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इन दशा में पड़ा है, उससे पूछा, तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला करे तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी कार उठा और चल फिर। और मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी कार उठा कर चलने फिरने लगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो हमको कहना चाहते वो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार हम चल सकें और स्वर्ग राज के हम वारिस बन सके। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो प्रभु यीशु के 12 चेले थे, और उन 12 चेलों में 3 चेले खास थे, एक था पतरस, एक था यूहन्ना, एक था याकूब। और जब इनका जीवन देखते हैं, और उसमें भी खास करके जब पतरस का जीवन देखते हैं, तो पतरस का जीवन हमें बाइबल में एक बहुत ही प्रभावशाली और एक अजीब तरीके का जीवन जो है वो हमें दिखाई देता है। कभी भी कोई भी बात हो तो पतरस जो थे वो पहले होते थे, और पतरस जो है वो प्रभु के खास चेलों में से वो एक थे। उनकी पहचान तो प्रभु के साथ पहले ही हो गई थी चेला बनने से पहले, और पतरस की पहचान करवाई थी अंद्रियास ने, और वो पतरस के भाई थे। उन्होंने सबसे पहले पतरस को मसीह से मिलवाया था। फिर क्या हुआ कि पतरस और अंद्रियास और यूहन्ना, याकूब, ये 4 लोग तो मछुआरे थे, पार्टनरशिप में काम करते थे, और एक बार ऐसा हुआ कि ये लोग मछली पकड़ रहे थे। पूरी रात उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। जब एक भी मछली नहीं आई और सुबह हो गई, और पूरी रात इन्होंने जो मेहनत की थी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई थी। अभी हुआ ऐसा कि पतरस और उनके साथी सुबह अपनी जाल साफ कर रहे, तभी प्रभु यीशु वहाँ पर आए। प्रभु यीशु के साथ और भी बड़ी भीड़ थी, वहाँ पर प्रभु यीशु ने प्रचार भी किया। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा कि पतरस, क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक भी मछली नहीं है। पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी लेकिन एक भी मछली नहीं आई थी। उसके बाद प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि गहरे जल में जाल डालो, मछली आएगी। ऐसा किया भी, मछली आई भी, ढेर सारी आई, जाल फटने लगी, सब कुछ किनारे लेकर आए। और प्रभु यीशु वहाँ से जाते जाते बोलने लगे कि पतरस,
अब से तू मछलियों को नहीं इंसानों को पकड़ने वाला बनेगा। और तभी से पतरस जो है वो प्रभु यीशु के पीछे भागे और वो प्रभु यीशु के पीछे उनका चेला बनकर रह गए। अभी प्रभु यीशु ने जो कहा था कि पतरस अब से तू मछली नहीं इंसानों को पकड़ने वाला बनेगा, मतलब अभी से तेरा कारोबार बंद, तेरा काम बंद, और अब तू दूसरा काम करेगा, अब तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, अब तू इंसानों को पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा, अब तू आत्मा जीतेगा, अब मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना है। और पतरस सब कुछ छोड़कर चले भी गए। लेकिन वही पतरस 3.5 साल के बाद जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, तब एक बार फिर उन्होंने बाकी चेलों से कहा, मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्या आना है मेरे साथ? और सारे चेले पतरस के पीछे पीछे चल पड़े। जो पतरस ये काम छोड़ चुके थे, जो पतरस ये काम छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े थे, जो पतरस मछली को पकड़ना छोड़कर मनुष्य को पकड़ने का काम हाथ में लिया था, जो प्रभु यीशु के चेले बन गए थे, जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने वाचा की थी, वो पतरस अभी गलती कर रहे। जो काम छोड़ा था वही काम में वापस चले गए, वापस मछली पकड़ने के चले गए। ये पतरस की गलती थी, ये पतरस का गुनाह था, जो छोड़ा था उसी के पीछे वापस वो भागने लगे। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बार प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते उन्होंने सिखाया माफ़ करना चाहिए। और तब पतरस को सवाल हुआ और वो परमेश्वर से पूछने लगे, परमेश्वर मैं मेरे भाई को कितनी बार माफ़ करूं? क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, 70 गुना। तू 7 बोलता है, मैं उसका 70 गुना बोलता हूँ। ये पतरस को याद था, ये बात पतरस को मालूम थी, पतरस से खुद ने सवाल किया था। और वही पतरस, उन्होंने तलवार निकाली और किसी का कान काट डाला। वो तो प्रभु यीशु थे कि उन्होंने वापस जैसा का वैसा कान बिठा दिया, लेकिन पतरस जो थे उस इंसान को मारना चाहते थे, लेकिन वो इंसान बच गया। जबकि उन्होंने ही पूछा था कि प्रभु यीशु कितनी बार मुझे क्षमा करना चाहिए, और पतरस ने एक भी बार क्षमा नहीं किया। ये भी पतरस की एक गलती थी। एक बार प्रभु यीशु ने बताया कि चरवाहे को मार देंगे और भेड़े भाग जाएगी, तो प्रभु से ये कहना चाहते कि मुझे लोग मार देंगे और मेरे 12 चेले मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। तो पतरस समझ गए कि प्रभु से क्या कहना चाहते। तो पतरस ने ऐसा बोला, प्रभु ये बाकी के 11 लोग ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खा सकता। तो प्रभु से उसको बोला कि पतरस तू आज ही मेरा 3 बार इनकार कर देगा। तो पतरस ने फिर बोला, प्रभु अगर आपके साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं आपके साथ जेल में जाने के लिए भी तैयार हूं और मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और जब प्रभु उसको पकड़ने के लिए आए तो पतरस भाग गए। ये भी पतरस की एक गलती थी, बोलते थे क्या और करते थे क्या। एक बार प्रभु यीशु ने पूछा, मैं कौन हूँ, तुम लोग क्या कहते हो? तो तभी पत्र से तुरंत उत्तर दिया, प्रभु तू तो जीवित परमेश्वर का बेटा, तू तो मसीह है, बोले। तो प्रभु यीशु उसको बताया कि पत्रस ये तुझे किसी लहू और मांस से नहीं बताया, तुझे ये बातें पिता परमेश्वर ने बताई। और प्रभु से कहना चाहते कि पिता परमेश्वर तेरे साथ बात कर रहे, उन्होंने तेरे अंदर ये बात डाली और तूने ये बात जान ली। फिर उसी वक्त प्रभु से बातें करने लगे, अब मुझे यरूशलेम में जाना है,
लोग मुझे पकड़वा देंगे, लोग मुझे मार देंगे, मुझे क्रूस पर बलि कर देंगे। तो वही पतरस प्रभु यीशु को एक और लेकर गए और प्रभु यीशु को डांटने लगा, हे यीशु ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। तब प्रभु यीशु ने पलट कर उस पतरस से ऐसा कहा, हे शैतान मेरे पीछे जा, यहां पर एक गलती और गलती यह हो गई कि पतरस जो थे जिनके साथ अभी परमेश्वर ने बात की थी, वही पतरस के साथ अभी शैतान बात कर रहा है। और देखो एक बार पिता बात कर रहे तो दूसरी बार शैतान बात कर रहा है और वो शैतान को भी अपने अंदर जगह दे रहा है। पतरस से यहाँ पर एक और गलती जब पतरस के जीवन में देखते हैं तो पतरस के जीवन में ऐसे बार बार गलती जो है वो दिखाई देती है। और आखिरी गलती जो उन्होंने की थी बाइबल के अनुसार वो थी दूसरी बार मछली पकड़ने के लिए जाना, जिससे परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला था। उस वक्त क्या हुआ था, प्रभु से जिंदा हो गए थे। जिस दिन जिंदा हुए उसी दिन उन्होंने सभी चेलों को दर्शन दिया, लेकिन तब थोमा वहां पर नहीं थे। तो थोमा बोलते मैं विश्वास नहीं करता। तो बाइबल में लिखा 8 दिन के बाद, मतलब आज के कैलेंडर के हिसाब से देखने जाओ तो संडे को दर्शन हुआ, उसके 8 दिन के बाद, मतलब हो सकता है सोमवार या मंगलवार की बात होगी, प्रभु उसने फिर से दर्शन दिया। वो दर्शन होने के बाद मुझे नहीं मालूम कितने दिन बीत चुके थे और पतरस बोलते चलो मैं तो मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। मैं 2 बार दर्शन पाने के बाद पतरस जो है ये गलती वो कर रहे। अभी ये पतरस जो है उनके जीवन में ऐसे बार बार जो गलतियां थी वो दिखाई देती थी। बोलते क्या थे करते क्या थे, अब मैं इंसानों को पकड़ूंगा, वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए, मैं माफ़ करूंगा और किसी का कान उड़ा दिया, मैं तेरे साथ जेल में जाने के लिए तैयार, और वो पतरस 3-3 बार इनकार कर बैठे। तो पतरस के जीवन में ऐसे बार बार गलती जो है वो दिखाई देती है। उसके बाद जब 50वां दिन आया, और ये दिन की जो गिनती है 50वां दिन वो प्रभु यीशु के जी उठने के बाद की बात है। अभी 8वें दिन तो दूसरी बार दर्शन हुआ था, 3रा दर्शन मालूम नहीं 9वें दिन हुआ 10वें दिन हुआ या तो मालूम नहीं कौन से दिन हुआ, लेकिन 8 दिन के बाद तो दूसरी बार दर्शन हुआ था प्रभु यीशु का, उसके बाद 3रा दर्शन हुआ। उसके बाद जब 50वां दिन आया और ये लोग पवित्र आत्मा से ऊपर गए, उससे पहले की बात, जब ये लोग किसी जगह पर इकट्ठा हुए थे और तब पतरस सभी के बीच में खड़े हो गए। अभी ध्यान से इस बात को समझना और देखना कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है। अभी क्या हुआ, पतरस सभी के बीच में खड़े हो गए। किन के बीच में, वहां पर 120 लोग तकरीबन इकट्ठा हुए थे। ये 120 लोग वही है जिन्होंने पतरस को बार बार गलती करते हुए देखा है। ये 120 वही लोग हैं जिनके सामने पतरस से गलती की थी। ये 120 लोग वही हैं जिनके सामने पतरस से बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं मरने के लिए तैयार, मैं जेल में जाने के लिए तैयार, और किसी का कान काट डाला। इन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने उन्होंने गलती की थी, अचानक पतरस खड़े हो गए और खड़े होकर क्या बोलते हैं, बोले यहूदा हम 12 प्रेरितों में से एक था, और बोले उसने 30 चांदी के सिक्के के खातिर प्रभु यीशु को बेच दिया और उसने अपने आप को फांसी लगा दी, वो मर गया, लेकिन बोले भजन संहिता में उसके बारे में लिखा हुआ है
उसकी जगह कोई और ले। एक एक बात को ध्यान समझना। तो अभी जितने लोग शुरू से प्रभु यीशु के साथ थे उनमें से किसी एक को यहूदा की जगह लेनी पड़ेगी। अभी सुनो ये कौन बोल रहे हैं, ये पतरस बोल रहे हैं। वो पतरस जिन्होंने बार बार गलती उन्हीं लोगों के बीच में किए और उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा होकर बिंदास से बोलना, जैसे वो खुद अगुआ है, थे भी अगुए बन ही चुके थे, परमेश्वर उनको ही बोला था तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। लेकिन सोचो जिनके सामने बार बार गलती की हो उसके सामने अगर खड़े हो जाए और कुछ बात करते, लोग हंसे हैं, बैठ यार तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बाद में तेरा सोता क्या, तो वही गलती करता रहता है, तेरी कौन सुना, चल बैठ जाए पतरस, बैठ जाए एक बाजू। लेकिन पतरस खड़े हो गए थे और बोले किसी एक को यहूदा की जगह लेनी पड़ेगी, ऐसा भजन संहिता में लिखा है। भाई पतरस को एक ज्ञान कहां से आए और बोले इसलिए हमें हमारे अंदर से किसी एक को चुनना है। पतरस ने अगुवाई की और सभी लोगों को मालूम नहीं किस तरह से उसने चुना, किस तरह से रिजेक्ट किया और आखिर में दो लोग वो नियुक्त किए गए। अब इन दो लोगों में से किसको यहूदा की जगह दी जाए वो किसी को नहीं मालूम। पतरस बोलते चलो कोई बात नहीं, चिट्ठी डालते हैं परमेश्वर के आगे, चिट्ठी डाली। पतरस को ये बात किसने बताई मालूम नहीं, चिट्ठी डाली और तब मत्थियास नाम का एक व्यक्ति यहूदा की जगह पर आ गया। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर आज हमसे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। और जैसा पतरस ने बोला वैसा ही हुआ, पतरस की बात सभी लोगों ने मानी, यहूदा की जगह मत्थियास प्रेरित बन गए, वो भी बारह में से एक गिने गए। लेकिन किसके कहने से, पतरस के कहने से। ये सारा कुछ जो हुआ वो पतरस के कहने से हुआ। अभी क्या हुआ, पचासवां दिन आ गया, ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे, एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इनको दे भी दिए और ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सभी लोग घर छोड़कर बाहर निकले, भीड़ में पहुंच गए, सभी लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे और किसी ने मजाक किया, इन लोगों ने कोई नई शराब पिए और इस कारण ये लोग ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे। जैसे पत्र से सुना, पत्र सभी के बीच में खड़े हो गए, एक बार फिर पत्र सभी के बीच में स्टैंड ले रहे। अब अरे इसराइली लोग मेरी ओर देखो और सुनो, ये जिन लोगों को तुम ऐसा समझते हो पीकर बैठे, तीन लोगों ने कोई पिया नहीं, अभी तो सुबह सुबह है, इतनी सुबह कोई पीता नहीं, लेकिन ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो बात की थी वो है। बोले योएल भविष्यवक्ता ने कहा था आखिरी दिनों में मैं मेरा आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, ये बात आज पूरी हो गई। और फिर पतरस ने एक बड़ा लंबा प्रचार जो है वो कर दिया। भाई बहुत सारी भीड़ थी, ये सारे लोग वहाँ पर भीड़ में बिखरे हुए थे। अभी जिसके पास जो भी होगा वो भीड़ उसके पास गई, क्या करें अभी, हम क्या करें, हमसे तो गलती हुई, हम क्या करें। वो सभी लोग लेकर आए पतरस के पास और हम बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, अभी देखो ये सभी लोगों ने पूछा तो सभी लोग लेकर आए पतरस के पास, बोले हम कहाँ अगुए, अगुआ तो पतरस है, सभी लोगों ने उनको मान लिया है। सभी लोग पतरस के पास लेकर आए और पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अरे पत्रस ने बताया कि क्या करना है, बोले पश्चाताप करो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर पत्रस ने कह दी। अभी ये सारी बातें ध्यान से समझना। पत्रस सबके अगुए बन गए, ये छोटी बात मत समझना, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से बड़ी बात है? ये सभी लोग साथ साथ में घूम रहे थे, ये सभी लोग साथ में ही थे। पत्रस उन्हीं के बीच में थे। पत्रस वहीं पर जो बोलते थे उसका उल्टा कर देते थे। वो बोलते थे कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार, और वही पत्रस तीन तीन बार इनकार कर देते थे। वो बोलते थे प्रभु मैं कितनी बार माफ करूं, और वो ही किसी का कान काट देते थे। वही बोलते प्रभु सु अब मैं मछलियाँ छोड़कर सिर्फ आपके पीछे आ रहा हूँ, और वही वापस मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। ये सभी लोग विश्वासी लोग, घर बार छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, कारोबार छोड़ दिया था, ये आम विश्वासी नहीं थे, बड़े विश्वासी लोग। और बड़े विश्वासी लोग में पत्रस प्रभु यीशु का खास, उससे ऐसी गलती, क्या बाकी के लोग उसको माफ कर सकते हैं? क्या बाकी के लोग उसकी बातें नहीं करेंगे? ये देख लो बन बैठक, हमारा गौ बन बैठक कितनी गलती करता रहता है, तो क्या बाकी के लोग बात नहीं करेंगे? सामने गलती दिखाई देती है तो। लेकिन वही पत्रस उन्हीं लोगों का अगुआ बन गए। कितनी बड़ी बात है, वही पत्रस उन्हीं लोगों के अगुए बन गए जिनके बीच में उन्होंने गलती की, जिन लोगों ने उनकी गलतियों को अपने सामने देखा है। बोलना क्या और करना क्या, बहुत बड़ी बात है। किस तरह से पत्रस यहाँ पर पहुँचे, ऐसा पत्रस में क्या था कि पत्रस इतने आगे वो निकल गए? जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो आप पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, पौलुस वो परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर के लोगों का भी विरोधी। वो पौलुस जो है, जब स्टेफन उसको मार दिए गए थे तब उनके घात करने में जो सहमति देनी थी उनमें पौलुस थे, और उन्होंने सहमति दी थी हाँ मार दो। जब लोग स्टेफन उसको पत्थर मार रहे थे तब पौलुस वहाँ पर हाजिर थे। जो लोग पत्थरवा कर रहे थे उनके कपड़े की देखभाल पौलुस कर रहे थे। पौलुस ने इतनी भारी सतावट की कि प्रेरितों को छोड़कर सारे लोग बिखर चुके थे। फिलिपुस भी वहाँ से भाग गए, वो सामरिया में चले गए। और इतना ही नहीं, पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को घात करते थे, नाश करते थे, जेल में डालते थे, मरवा देते थे, तो जब उनके इलाके में सब लोग भाग गए तो वहाँ से रुके नहीं, मैं दूसरे इलाके में भी जाऊँगा, वहाँ से भी लोगों को पकड़ूंगा, वहाँ से लोगों को जेल में डाल दूंगा, वहाँ से लोगों को मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। उसे कुछ अधिकार पत्र हासिल किए, दमस्क को निकले। रास्ते में प्रभु उसका दर्शन हुआ, एक बड़ी सी रोशनी उनके ऊपर आई, उनकी आँखें बंद हो गई, और पौलुस को एक आवाज़ आई, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? और शाऊल बोल रहे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सता रहा हूँ? मतलब पौलुस का कहने का मतलब ये है, मैं किसी को नहीं परेशान कर रहा, मैं किसी को हैरान नहीं कर रहा, मैं किसी को सता नहीं रहा, लेकिन मेरे ऊपर आवाज़ आ रही है, कौन है प्रभु तू? और प्रभु की फिर से आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ,
जिसे तू परेशान कर रहा है। पौलुस की आंखें खुल गई, यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और तुरंत ही उन्होंने प्रकट करना शुरू किया, यीशु ही प्रभु है। अब ध्यान से समझना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि पौलुस वो अचानक से प्रभु यीशु को मसीह प्रकट करने लग जाए, ये छोटी बात नहीं थी। वो तो पहले इन्हीं लोगों को परेशान कर रहे थे, उन्हीं लोगों को झूठा करार दे रहे थे, उन्हीं लोगों को मार रहे थे। अब ये बोलना ये लोग सच्चे हैं, मैं झूठा था। जब सच्चाई होती है तब भी लोग ग्रहण नहीं कर सकते, जब सच्चाई होती है तब भी लोग कबूल नहीं कर सकते। जब गलती होती है, लोगों को बोला जाता है कि बताओ कबूल करो, तो भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके कबूल करे। तो जिसके विरोध में काम किया था और बाद में वो कबूल करना कि हाँ मैं गलत था, मैं इनका जो विरोध कर रहा था वो मेरी गलती थी, कितनी बड़ी बात है। और देखो पौलुस कितने आगे निकल गए, कितने मंडलियां, कितने लोग उनके द्वारा मसीह में आ गए। लेकिन आज जो संसार है उस संसार में कैसे चलता है? पतरस ने बहुत सारी गलती की, पौलुस ने भी बहुत सारी गलती की, लेकिन उन्होंने उस गलतियों पर से अपनी निगाहें मोड़ दी। हाँ मैं करता था, हाँ मैंने बोला था, मैं कितनी बार क्षमा करूं, और मैंने ही तलवार उठाई, मैंने तो गर्दन ही काटना चाहा था, लेकिन वो तो निशाना चुक गया और कान कट गया, ये मेरी गलती थी। हाँ मैंने ही बोला था कि प्रभु यीशु मैं मरने के लिए तैयार, मैं जेल में जाने के लिए तैयार, लेकिन हाँ मैंने ही 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया। मैंने ही कहा था क्या से प्रभु आपके पीछे इंसानों को पकड़ने वाला बनूंगा, और वो भी मैं ही था, मैंने ही गलती की कि मैं खुद तो मछली पकड़ने के लिए गया और बहुत लोगों को मेरे साथ लेकर गया। पतरस जो भी गलती की थी, जो भी गलतियां थी, उस गलती के ऊपर से अपना मुंह मोड़ लिया। हो गई गलती थी, कोई बात नहीं, लेकिन गलती को पकड़ के मैं कब तक बैठा रहूं, मैं कब तक उस गलती को मैं अपने दिमाग में बिठाए रखूं, कब तक मैं ये सोचूं मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, मैं बाहर क्यों ना निकलूं। और देखना जो पाप आपके दिल में होता है ना, वो आपको दिल को खाया जाता है। जब तक जिसके विरोध में आप पाप किया है, जब तक उसके आगे कबूल नहीं करोगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो पाप आपको लगातार खाया जाएगा, खाया जाएगा, खाया जाएगा। उससे आजाद होना है, कबूल करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो लोगों को बताना ही पड़ेगा, हाँ मेरे से गलती हुई थी, मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये काम किया। और उसको भूल जाओ, और तभी भूल पाओगे जब किसी को बताओगे, जब वो कबूल करोगे, जब क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु भी बोलते कि तुम चंगे रहो, इसलिए अपने पाप एक दूसरे के साथ कबूल करो, तभी चंगाई मिल जाएगी। तो हमारे पाप जिसके विरोध में किए उसके पास जाना है, उसके पास कबूल करना है, उसको बोलना है हाँ मैंने तेरे विरोध में किया था, मैंने ऐसा सोचा था, तेरी बात मैंने इज्जत की थी, तेरी निंदा ऐसी की थी, कबूल करो, कोई बात नहीं। नहीं कबूल करोगे तो आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, वो पाप आपको अंदर से खाया जाएगा, खाया जाएगा। लेकिन पतरस छोड़ो अभी पाप को, कबूल करो, कौन से छोटे बनने वाले, बुलाएगा सबके सामने और बुलाएगा, लेकिन आज मुझसे पवित्र आत्मा जो कहते वो तो मैं बोलूं। और जब उन्होंने बोला कि यहूदा की जगह किसी और को हमें चुनना पड़ेगा, ऐसा भजन संहिता में लिखा है,
क्या किसी ने इनकार किया? क्या किसी ने नहीं माना? सभी ने देखा पतरस कबूल कर रहे, और वही पतरस सभी के अगुए बन गए। लेकिन पतरस वही सारी बात अपने दिल में लेकर बैठते, गलती तो हुई है यार, मैं तो खास तेलों में से था, और मैं अगर बताऊं मेरे से गलती हो गई, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? इज्जत की परवाह नहीं की, बता दिया, मान लिया, और उनके दिमाग से परमेश्वर सारा कुछ निकाल दिया। हल्के हो गए, आगे बढ़े, अगुए बन गए। उन्होंने प्रचार किया, 3000 का बपतिस्मा उनके प्रचार से ही आए, और पतरस वो आगे ही आगे बढ़ते गए, और उसी पतरस की कलीसिया में जो आज जुड़ते हैं वही स्वर्गराज में प्रवेश कर सकते। कितना बड़ा नाम उस पतरस का परमेश्वर ने बना दिया। ये छोटी बात नहीं है, कबूल करना पड़ता है तब जाकर हम बोल सकते, वरना कोई भी आएगा वही बात रिपीट। अभी बाहर जाकर देखो, कहीं पर भी जाओ, कोरोना की बात चलती रही। क्यों? अंदर डर समाया हुआ है, कोरोना ही चल रहा है, तो वही बात। किसी के घर में जाओ और वो घर वाले को किसी के प्रति कुछ दिल में है, और आप उसको जानते हो, देखो वो बात निकलेगी, वो ऐसा यार छोड़ो ना, हाँ ये ऐसा ही है, होता ही ऐसा, दिल में है, उसको निकालना चाहते हो, कबूल कर निकाल दो, परमेश्वर सहायता करेंगे, और तभी आप उसको भूल पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पतरस से छोड़ दिया, पतरस आगे बढ़े, आगे बढ़े इतना नहीं, उन्हीं लोगों के लीडर बने, सबसे मुखिया, सबके अगुए। पौलुस देखो कितना कुछ किया था उन्होंने प्रभु यीशु के खिलाफ, और अभी ऐसा बोलना कि वही यीशु वो प्रभु है, कितनी बड़ी बात है। पौलुस उस वक्त तो बहुत चर्बी थी ना, बहुत हमको मारने के लिए आ रहा था ना, अब पता चला ना, किसी ने बोला ऐसा नहीं बोला, कबूल कर दिया होगा, बात समाप्त, यार मेरी गलती हो गई थी, मुझे शिक्षा ही सही नहीं मिली थी, मैं तो उनको मानता ही नहीं था, लेकिन मुझे दर्शन हुआ। और देखना प्रेरितों के काम में दो दो बार वो गवाही देते, दोनों बार उन्होंने कबूल किया, बोले मेरा पिछला रिकॉर्ड जाकर देख लो, मैं तो मसीह का विरोधी था, मैं तो लोगों को मारता था, मार देता था, जेल में डालता था, लेकिन वही यीशु ने मुझे दर्शन दिया, मुझे पता चल गया, मेरी आंखें खुल गई, वर्षों के बाद भी कबूल करते हैं, वो मेरी गलती थी पहले। और देखो पौलुस के जरिए कितने सारे आत्मा जो है वो बचाएगी, लेकिन पौलुस अगर दिल में रखते, मैंने यीशु के खिलाफ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बोला, वो क्या वो किया, और अब अगर मैं बोलूँगा कि नहीं यीशु ही है, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, तो क्या होता? वो इस बातों से आज़ाद नहीं हो पाते और पौलुस आगे नहीं बढ़ पाते। आज संसार में यही हो रहा है, लोग अपनी पिछली बातें जो है वो भूल नहीं रहे, पिछले गुनाह, पिछले अपराध, या तो आज के अपराध उनके जीवन में इस तरह से घर कर चुके कि वो निकाल नहीं पा रहे उसको। दुनिया भी ऐसी होती है कि लोगों को जानबूझकर वो याद भी दिलाती है। एक बार एक एथलीट था, दौड़वीर, जब भी वो दौड़ में हिस्सा लेता था हर बार पहला नंबर, लेकिन एक बार क्या हुआ, वो हार गया। अभी जीतता था ना, तब इतने इंटरव्यू नहीं होते थे, इतने मीडिया वाले नहीं आते थे, हार गए सारे मीडिया वाले उसके पीछे, तू कैसे हार गया, तू कैसे हार गया। उसने एक ही बात बताई, मैं कैसे हार गया वो छोड़ो, लेकिन ये आखिरी दौड़ नहीं थी, इसके बाद और है, मैं उसमें दौड़ना चाहता हूँ और उसमें मैं आपको जीत कर बताऊँगा। नहीं वो तो बात ठीक है, आप जीत कर बता लोगे, लेकिन हारे क्यों? अरे मैं हारा क्यों वो छोड़ो, लेकिन मुझसे भी आगे बढ़ना है, मुझे दौड़ना है, फिर भी मीडिया वाले पीछे, ये हकीकत है, फिर भी पूछने लगे, नहीं लेकिन हारे क्यों, हारे क्यों? आखिर उसको जगह छोड़ दी,
बोले मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि मैं अगली बार जीत कर बताऊंगा। अगर मैं हार गया वो बात पकड़ कर अगर मैं बैठा रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा मैं क्यों हार गया, मैं क्यों हार गया, मैं क्यों हार गया, तो बोला अगली बार मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे तो भूलना है। हालेलुया। तो इंसान को ये सारी बातें जो है भूलना है। और फिलिपी में ऐसा लिखा है, फिलिपिया इसका तीसरा अध्याय और उसका 13-14 वचन, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस ऐसा नहीं कि ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें मेरी पीछे रह गई है उनको भूलकर, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अब इस ध्यान से समझना, अगर पिछले पाप में पकड़ कर रखूं, उसको देखता रहूं, मैंने यीशु के लिए ये किया, यीशु के विरोध में ये किया, उनके विश्वास के विरोध में किया, प्रेरितों के बारे में मैंने ऐसा किया, स्टेफनुस के लिए मैंने ऐसा किया, तो पौलुस कब बढ़ पाने वाले थे? बोले बात मैं भूल चुका था। अभी देखो सही में तो याद कर रहे हो, पिछली बात है मतलब आज भी याद है, लेकिन क्या कहना चाहते, याद तो मुझे आज भी है कि मैं क्या कर रहा था, गवाही में भी बताते तब भी बोलते कि मैं ऐसा था, मतलब कोई याद तो है, लेकिन क्या किया, कबूल कर दिया ना, छोड़ दिया ना, अभी वो हल्के हो गए। कभी भी देखना, अगर आप किसी के सामने किसी की बुरी बात करोगे ना, तो आपको उसको क्या बोलने की जरूरत पड़ेगी, उसको मत बोलना, क्यों, झूठ है, झूठा बोल रहे हो, इसके लिए आपको क्या बोलना, उसको मत बोलना। लेकिन जो कबूल कर चुका हो, भाई साहब मैंने तेरे सामने तेरे विरोध में कोई गलती की थी, तुझे मैं गाली बोल गया था, तेरे ऊपर मैं क्रोध कर गया था, तेरी मैंने कहीं पर निंदा कर दी थी, अगर उसके सामने कबूल कर दो, फिर 50 लोगों के सामने बोलो ना मैंने इसकी निंदा की थी, अब डरने की जरूरत, वो लोग वहां पर जाकर कितनी भी बोलो, हाँ मालूम है उसने मेरे आगे कबूल किया था, सही बात है, हम तो हल्के हो गए ना, लेकिन क्या बोलना पड़ता है, उसको मत बोलना, मतलब गलती किसकी है, गलती खुद की है, जो ऐसा बोल रहा है उसको मत बोलना। तो पौलुस क्या बोलते हैं, पिछली बातें भूल कर, बोला नहीं अभी भी याद है, लेकिन क्या किया है, कबूल कर दिया है, कबूल करके छोड़ दिया है, तो अभी भी उसको याद है कि मैं तो परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, मैं तो उनको मारता था, लेकिन अब वो कहीं पर प्रचार करने के लिए जा रहे थे, और अगर वहां पर जाकर कोई भाई पौलुस को बुला रहे, मालूम है वो तो कलीसिया को सताता था, तो उसमें क्या हमको मालूम है, कहां गुप्त में रखा, फैला दी बातें, मैं करता था ऐसा, मैं कबूल कर दिया। तो जब बातें कबूल की गई होती है ना, तो इंसान हल्का हो जाता है, फिर उसके आगे का रास्ता दिखाई देता है। और इसे देखो पौलुस कितना आगे बढ़े, तो फिर से पढ़ो तो फिलिप्पिया 3:13-14 वचन, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, पौलुस बोलते है कि आगे की बात सोचकर मेरा जो निशान है वो निशान की ओर आगे बढ़ता हूँ। कैसे, तो पहले पिछली बातें मैंने छोड़ दी, अगर पत्र से वही सब दिमाग में रखा हो तक मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मालूम है कई लोग खुदकुशी क्यों करते, उनका पाप उनको खाया जाता है, इससे अच्छा कबूल करो। कभी आनंद की ओर से अगर आप भड़ोत आओ ना, तो महिसागर ब्रिज पर 2 बोर्ड लगे हो बड़े बड़े, और वहाँ पुलिस वालों ने लिखा है कि आत्महत्या करने से पहले एक बार पुलिस को मौका दो, मतलब ये कहना चाहते पुलिस को एक बार कबूल कर दो कि आपसे कौन कौन सी गलती है, कर्जा हुआ कोई बात नहीं हम देख लेंगे, जो भी एक बार कबूल कर दो हम संभाल लेंगे, लेकिन मरने नहीं देंगे आपको। लेकिन मरना क्यों पड़ता है, अंदर से बाहर बातें नहीं आ रही, उनका पाप उनको खाए जा रहे, इसलिए फिर मौत के सिवा उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता।
अगर पतरस ने अपनी पिछली बातें याद रखी होती, उनको छोड़ना नहीं चाह होता, कबूल नहीं किया होता, तो क्या पतरस आगे बढ़ते? क्या पौलुस ने पिछली बातें पकड़ कर रखी होती तो पौलुस आगे बढ़ते? देखो ये दोनों कितना आगे बढ़ गए। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पिछली बातें भूलनी पड़ेंगी। जो कुछ भी गलती हुआ कोई बात नहीं, कबूल करो, छोड़ो, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। आज जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 9 वचन हमने पढ़ा। अभी वहाँ पर ऐसा हुआ था कि प्रभु अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था बेत्सैदा था और वहाँ पर एक कुंड था, उसमें पानी था। कभी कभी किसी वक्त एक दूत आता था और पानी को हिलाता था और क्या होता था, वो पानी हिलने के बाद जो कोई सबसे पहले उसमें कूद पड़ता था उसको चाहे जो भी बीमारी उसको चंगाई मिल जाती थी। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से ऐसे ही बीमार अवस्था में पड़ा था। 38 साल से बीमार, 38 साल का बीमार नहीं था वो, 38 साल का नहीं था, 38 साल से तो बीमार था, मतलब उसकी आयु 38 साल से ज़्यादा थी। अभी 38 साल से वो प्रयत्न कर रहा था, मेरा नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, आज तक नहीं लगा था। और प्रभु उसको किसी ने ये बात बताई तो प्रभु उसी के पास गए और उसको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो क्या बोलते हैं, प्रभु ये जो कुंड है उसमें जब दूत आता है और पानी हिलाता है तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं कि जो मुझे उठाकर उसमें डाले, और जब मैं प्रयत्न करने के लिए जाता हूँ उससे पहले कोई आ जाता है, उसमें गिर जाता है, मेरा ठिकाना नहीं पड़ता। और ऐसे ही आज 38 साल मुझे यहाँ पर हो गए। तो प्रभु से उसको क्या कहा, 8 वचन पढ़ो। तो उसका यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर। हाँ, अभी प्रभु से क्या कहा, उठ, और कैसे उठ, खाट उठा, उठ जा और सबसे पहले खाट उठा और चल फिर, बोले। अभी देखो 9वां वचन क्या कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। ये मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। अब एक बहन जी थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, परिस्थिति बहुत ही खराब, पूर्ण रीति से बेड पर। मुझे फोन पर बोला मैं हार गई, अब मेरे से उठा नहीं जा सकता, बात खत्म है, मैं हार चुकी हूँ। मैंने उनको ऐसा बोला, बाइबल में ऐसा लिखा है जो जीतता है वो स्वर्ग में जाएगा, अभी आपको स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है फैसला कर लो। बोले नरक में तो नहीं जाना। मैंने बोला फिर हार गए ऐसा मत बोलो। तो बोलते सहन नहीं होता। मैं ये भी मत बोलो, बाइबल में ऐसा भी लिखा है आप सहन ना कर सको ऐसा ऐसी कोई परेशानी आएगी नहीं, ये भी झूठ बात है, आप सहन कर सकती हो, ऐसी कोई बड़ी बात आने वाली नहीं। अभी सही में उसकी हालत बहुत खराब। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, फिर मैंने उनको एक ही बात बताई, बेड छोड़ो, उठकर बाहर निकलो घर के बाहर और 3-4 किलोमीटर चल कर आओ। कल की बात, आज मेरी उनसे बात हुई, मैं बोला कैसा है, बोले ऑल राइट, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हुआ, प्रार्थना के शब्द से? क्या प्रार्थना के शब्द अच्छे थे? नहीं, उन्होंने जो किया खाट छोड़ दी, वो बोल सकते थे मुझे और बोल भी चुके थे मैं हार चुकी हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, उठना है आपको। उन्होंने उठने का प्रयत्न किया होगा, जब प्रयत्न किया तो उठ गए, फिर चले। अपार्टमेंट में रहते थे मालूम है 3री-4थी मंजिल पर, मालूम नहीं, इसलिए मेरे कहने के अनुसार नीचे तो नहीं गए 3-4 किलोमीटर, लेकिन गर्मी चलने लगे, ठीक हो गए। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब परमेश्वर की आवाज़ आती है ना तब सामर्थ्य नहीं होता है, उस आवाज़ को जब हम ग्रहण करते तब सामर्थ्य आते हैं। जैसे प्रभु सुने इस इंसान से कहा जो 38 साल से बीमार था, उठ, तेरी खाट उठाकर चल फिर। अब ये पहले वाली बात पकड़ेगा, क्या परमेश्वर 38 साल हो गए मैं उठ नहीं सकता,
मैं पहले गिर नहीं सकता, मेरे साथ कोई है नहीं जो मुझे उठाए, मैं प्रयत्न कर नहीं सकता। और क्या प्रभु आप अगर पिछली बातें पकड़ कर रखता तो क्या इस वक्त खड़ा होकर चल पाता? आया ना, नहीं चल पाता। पिछली बातें क्या की उसने, छोड़ दी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, 38 साल से नहीं कर सकता था। लेकिन 38 साल के बाद एक दिन ऐसा आया, उसने प्रयत्न किया। प्रभु उसने बोला और प्रयत्न किया, ये बोल रहे तो क्यों ना मैं करूं। अगर पिछली बातें पकड़ कर बैठा रहता तो आज भी वो वहीं पर मर गया होता। हालेलुया। तो उसको चंगाई कब मिली? प्रभु उसके शब्द से नहीं, जब उसने उस शब्द को अपने अंदर लिया, पिछली बातें को छोड़ी। कितनी 38 साल की बातें छोड़ दी, मेरे साथ कोई उठाने वाला नहीं। अरे छोड़ो, कोई उठाने वाला नहीं। आज प्रभु आपने बोला ना, मैं कर देखता हूँ, पिछली बातें छोड़ो। आज मैं खुद प्रयत्न करता हूँ, आप बोलते हो तो। और कैसा हुआ होगा? खड़े हुए होंगे, खड़े होने के बाद चले नहीं। प्रभु ने कहा बोला, पहले खाट उठा। अरे मालूम ना उसकी खाट होगी या नीचे दरी बिठाई होगी, जो भी है, लेकिन उसको उठा भी लिया। सिर्फ सोचना, जो 38 साल से बीमार हो, जिसके पास उसका कोई रिश्तेदार ना हो, क्या उसको वक्त पर खाना मिलता होगा? वो कितना कमज़ोर हो गया होगा, उसके शरीर में कितनी कमजोरी होगी। लेकिन फिर भी उसने 38 साल वाली बात तो छोड़ी ना, भूल गया ना उसको, तभी उठ पाया ना, तभी चल पाया ना। क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते? पिछली बातें छूटती नहीं है। जो भी जीवन में हुआ है, पिछली बातें छोड़ो। जिसके सामने कबूल करना है करो, हिम्मत बनाओ। बहुत ध्यान समझना, पाप करने में कभी हिम्मत की जरूरत नहीं होती, वो तो आसानी से हो जाता है। उससे छूटने में ही हिम्मत की जरूरत होती है। निंदा करने में हिम्मत की जरूरत नहीं होती, कबूल करने में हिम्मत की जरूरत होती है। कैसे मैं कबूल करूँ, कैसे मैं इसके सामने बोलूँ, मैंने तो ऐसा बोला था तेरे बारे में। लेकिन आगे बढ़ना हो तो भूलना पड़ेगा। और ये इंसान खाट उठाकर चला, परमेश्वर के भवन तक चला गया। हालेलुया। अगर आगे बढ़ना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, पिछली बातें छोड़ो। पत्र से पिछली बातें भूल कर, कबूल कर कर छोड़ दी, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पौल से पिछली बातें छोड़ दी तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें आज पिछली बातों को छोड़ना होगा, और देखो परमेश्वर हमें कितनी ऊंचाई के ऊपर ले जाते हैं। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपने आँखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखें, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमारे बीच में। मेरे प्रियो, आज जो जीवन है, उस जीवन को देखो। कब मसीह जीवन जीने की शुरुआत की थी? अगर बढ़ नहीं रहे तो उसका कारण क्या है? कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है? क्या वो पाप खाए जा रहे? आगे बढ़ने से कौन रुक रहा है? मेरे प्रियो, आज भी वक्त है, हम अंतिम दिनों के अंतिम वक्त में जीवन जी रहे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे पहले जिसके भी विरोध में गुनाह किया है, पाप किया है, जाओ क्षमा मांगो, कबूल करो, ताकि हल्के हो जाओ और आगे का रास्ता दिखाई और बढ़ सको। ये वचन समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होनी चाहिए। थैंक यू जीसस।